भारत में ऐसे कई राजा महाराजा हुए हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं। ऐसे ही एक राजा थे पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह, जिनके रंगीन मिजाजी के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। 12 अक्टूबर 1891 को जन्मे भूपेंद्र सिंह महज 8 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए। हालांकि जब वो 18 साल के हुए तब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और पटियाला पर 38 सालों तक राज किया। आगे जानते हैं महाराजा भूपेंद्र सिंह की जिंदगी के बारे में कुछ रोचक बातें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाराजा भूपेंद्र सिंह की रंगीन मिजाजी का जिक्र दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में विस्तार से किया है। उनके मुताबिक राजा ने पटियाला में लीला भवन या रंग रलियों का महल बनवाया था, जहाँ सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों को एंट्री मिलती थी। यह महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बाहर दरी बाग के करीब बना हुआ है। दीवान जर्मनी दास के मुताबिक महल का एक खास कमरा जो प्रेम मंदिर कहलाता था महाराजा के लिए रिजर्व था, यानी उस कमरे में उनके अलावा कोई नहीं आता था बिना उनकी इजाजत के। इस कमरे में राजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम था। उनके महल के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था जिसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं। उसमें एक साथ लगभग 150 लोगों को नहाने की व्यवस्था थी। राजा अक्सर यहाँ पार्टियां दिया करते थे जिसमें वो अपनी चहेतियों और प्रेमिकाओं को बुलाते थे। इसके अलावा महाराजा के कुछ खास लोग भी पार्टी में शामिल होते थे। ये लोग तालाब में खूब नहाते, तैरते और अय्याशी भी करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक महाराजा भूपेंद्र सिंह की 10 रानियों समेत कुल 365 रानियां थी जिनके लिए पटियाला में भव्य महल बनाए गए थे। इन महलों में रानियों की स्वास्थ्य की जांच के लिए हर वक्त चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम मौजूद रहती थी। दीवान जर्मनी दास के मुताबिक महाराजा की 10 पत्नियों से लगभग 83 बच्चे हुए थे, जिनमें से 53 बच्चे ही जिंदा रह पाए थे, यानी बाकी बच्चों की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं महाराजा के महल में हर रोज 365 लांटेन जलाई जाती थी और हर लांटेन पर उनकी 365 रानियों के नाम लिखे होते थे। जो लांटेन सुबह पहले बुझती थी, राजा उस लांटेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़ते थे और फिर उसकी रानी के साथ रात गुजारते थे। रंगीन मिजाजी के अलावा महाराजा भूपेंद्र सिंह और भी कई चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। उनके पास विश्व प्रसिद्ध पटियाला हार था जिसे आभूषण बनाने वाली मशहूर कंपनी कार्टियर ने बनाया था। कहते हैं इसमें 2900 से ज्यादा हीरे और कीमती रत्न जड़े हुए थे। उस हार में उस समय का दुनिया का सातवां सबसे बड़ा हीरा जड़ा था। साल 1948 के आसपास पटियाला के शाही खजाने से यह बेशकीमती हार गायब हो गया और कई सालों के बाद उसके अलग अलग हिस्से कई जगहों पर मिले थे। शायद आपको पता न हो कि मशहूर पटियाला पैग भी महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही देन है। कहते हैं उनके पास 44 रॉल्स रॉयस कारें थी जिनमें से 20 कारों का काफिला रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराजा भूपेंद्र सिंह भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिनके पास अपना खुद का विमान था जिसे उन्होंने साल 1910 में ब्रिटेन से खरीदा था। अपने विमान के लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पट्टी भी बनवाई थी। तो ये थी महाराजा भूपेंद्र सिंह की जीवन से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।